वेलकम टू एनसीईआरटी वे यूपीएससी। एनसीईआरटी वे यूपीएससी में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री की जो बुक फर्स्ट है आपकी, तीन बुक्स हैं आपने की, उसमें से जो फर्स्ट बुक है आपकी पार्ट फर्स्ट जो है आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक वीडियो में ही हम देखेंगे सारे चैप्टर, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर 4 तक सारों चैप्टर, हर चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, अलग से हमने ये चैप्टर डिटेल्ड डिस्कशन किया है, डिटेल में हमने ये पढ़े हैं चैप्टर्स। उसके अलावा भी अगर इसमें से कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो अलग से अवेलेबल करवाऊं जल्दी से जल्दी। देखिए, सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो हर चैप्टर में से हम 5 क्वेश्चन देख रहे हैं इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं इस बार। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, और ये देखिए सारे जो क्वेश्चन है आपको बुक में मिल जाएंगे और कहीं से आपको कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से आपको टॉपिक मिल जाएगा, उस टॉपिक में से बस आप टॉपिक को समझिए। देखिए, हमने जब स्टडी की थी हमने टॉपिक्स को समझा था अच्छे से, डिटेल्ड स्टडी की थी हमने, डिटेल्ड डिस्कशन किया था टॉपिक वाइज। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा। और देखिए, 5 क्वेश्चंस हमने पर चैप्टर जो है उसके हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से इंपॉर्टेंट पिक किए हैं। तो हर चैप्टर में से हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो पहले चैप्टर में से पहला क्वेश्चन बन सकता है आपके, मोहनजोदड़ो वाज ए प्लान अर्बन सेंटर एक्सप्लेन इट। तो आपके टॉपिक भी है कि मोहनजोदड़ो वाज ए प्लान अर्बन सेंटर, जिसमें कैसे सिटाडेल के बारे में बताया है, लोअर टाउन के बारे में बताया है, किस तरीके से ग्रेट बात उसमें था, ग्रिड पैटर्न से जो है वो पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाया जाता था, जिसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर पहले बना दिया जाता था, बाद में जो है इमारतें खड़ी की जाती थी। तो मोहनजोदड़ो वाज ए प्लान अर्बन सेंटर एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है आपके, ये मोहनजोदड़ो जो था प्लान अर्बन सेंटर था उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब इसमें अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, देखिए इस एक क्वेश्चन में से आपकी कई सारी चीजें और पिक की जा सकती है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना जब आप पेपर में बैठो। तो पेपर में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमें एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हो सकता है वो घुमा के पूछ ले, तो उसमें घबराना नहीं, एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चाहे थोड़ा सा टाइम वहां पे क्वेश्चन समझने में दे दो एक बार, कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन ग्रिड पैटर्न जो फॉलो किया जाता था मोहनजोदड़ो में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसके बारे में बताइए, ग्रेट बात के बारे में बताइए, ये पूछा जा सकता है स्पेसिफिक क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बना है भाई, मोहनजोदड़ो वाज प्लान अर्बन सेंटर, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, ये हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि कनिंगम के बारे में हमने देखा था, जो एएसआई के हेड बने थे, जिन्होंने एक्सकवेशन करना स्टार्ट किया था, क्या है कनिंगम की कंफ्यूजन, व्हाट वाज कनिंगम्स कंफ्यूजन, कनिंगम की कंफ्यूजन क्या थी, जिसमें हमने देखा था कैसे कनिंगम की कंफ्यूजन क्या थी, कि उसका मानना था कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी, ये तो गंगा वैली के आसपास सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हुई होगी, ज्यादा से ज्यादा 2000 साल 1500 साल पुरानी है, लेकिन उसको बाद में जाके मतलब जब पता लगा कि भाई इंडिया की सिविलाइजेशन तो कितनी 5000 साल पुरानी, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन हुई है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक है, मेसोपोटामियन सभ्यता की कंटेम्प्रेरी है। तो कनिंगम की कंफ्यूजन क्या थी, ये लोकेशन बन सकता है आपके, या इसके बाद का जो टॉपिक था आपके कि आरईएम विलर जो थे, जो एएसआई के हेड बने थे, उन्होंने कैसे नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की थी एक्सकवेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उनका क्या रोल रहा। तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट वाज कनिंगम्स कंफ्यूजन, या रोल ऑफ आरईएम विलर इन द एक्सकवेशंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेराकोटा बुल, टेराकोटा बुल से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब द एंशिएंट अथॉरिटी ऑफ हड़प्पन सोसाइटी, हड़प्पन सोसाइटी में जो अथॉरिटी थी, एंशिएंट अथॉरिटी, उसके बारे में बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए कंफ्यूज मत होइए अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो बस इसीलिए मैंने बोला पहले क्वेश्चन को समझिए एक बार, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, चाहे थोड़ा सा टाइम वहां पे क्वेश्चन को समझने में दे दीजिए। देखिए, यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगाइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द एंशिएंट अथॉरिटी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंशिएंट अथॉरिटी ऑफ हड़प्पन सोसाइटी, जो अथॉरिटी थी उस ड्यूरेशन में, जो किंग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो राजशाही व्यवस्था थी, उसके बारे में पूछा गया कि हड़प्पन सोसाइटी में राजशाही व्यवस्था कैसी थी। तो हमने डिटेल चैप्टर जब पढ़ा था उसमें देखा था, एक इमेज भी देखी थी हमने कि भाई राजा उस तरीके के होते थे और किस तरीके के वो पहनावा पहनते थे। तो एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में आपको बताना है,
कैसे कई हिस्टोरियंस का मानना था कि भाई इस पैमाने पर सिमिलरिटी का होना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो साइट्स मिली हैं अलग अलग जगह से, तो उनमें जो सिमिलरिटी पाई गई है तो विदाउट एनी अथॉरिटी वो पॉसिबिलिटी नहीं था। तो ऑब्वियसली कई हिस्टोरियंस का मानना है कि वहां पे ऑब्वियसली कोई ना कोई अथॉरिटी रही होगी, राजशाही व्यवस्था रही होगी, इसी कारण इतनी सिमिलरिटी पॉसिबल हो पाई है। अगला क्वेश्चन है आपके, एक्सप्लेन द क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर ऑफ हड़प्पन सोसाइटी। हड़प्पन सोसाइटी के क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के बारे में बताइए। और पिछली बार के पेपर में आपके क्वेश्चन आया हुआ भी है कि उसमें हालांकि उसको घुमा के पूछा था कि किस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। भाई कैसे, क्या पूछा जा सकता है आपसे भाई, जो है किस तरीके से जो हिस्टोरियंस है वो अनुमान लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर सेंटर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर है। तो कैसे अनुमान लगाते हैं, मतलब कैसे आइडियाज लगाते हैं वो, कि वहां से रिलेटेड कोई टूल्स का मिलना, बीड्स वगैरह का मिलना, वहां बड़े पैमाने पर टूल्स वगैरह मिलना, तो इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई हो ना हो ऑब्वियसली कोई ना कोई सेंटर रहा होगा जहां पे प्रोडक्शन वगैरह होता हो, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता हो। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के बारे में बताइए हड़प्पन सोसाइटी के। देखिए ये सारे जो आपके क्वेश्चन बने हैं ये आपकी बुक से ही बने हैं और आपको बुक में इजीली मिल जाएंगे। अब बुक को एक बार हल्के से, जब क्योंकि अभी आपका रिवीजन चल रहा है, तो इन क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पर एक बार नजर जरूर दौड़ाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं इस बार। देखिए अगला आपका चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड में से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट फाइव। तो चैप्टर सेकंड में पहला क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल थ्रू विच हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट पास्ट ऑफ मौर्यन सोसाइटी। मौर्यन सोसाइटी, इसलिए मैंने बोला हमेशा क्वेश्चन को एक बार समझिए अपने आप चीजें आपके दिमाग में, क्योंकि हमने डिटेल डिस्कशन किए थे, डिटेल चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो अपने आप क्लिक करेंगे दिमाग में चीजें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कैसे मौर्यन सोसाइटी के जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। अब आप खुद आइडिया लगाइए, बताइए कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं उस ड्यूरेशन के जो है मौर्यन सोसाइटी से रिलेटेड सोर्सेज। अगर कोई कोई अकाउंट्स अवेलेबल हैं जो किसी राइटर्स ने लिखे थे, या जैसे अर्थशास्त्र जो उस ड्यूरेशन में लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा, या बाद में जैसे मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई थी, या उस ड्यूरेशन में जो फॉरेन ट्रेवलर्स अगर कोई आए तो उनके अकाउंट्स अवेलेबल हैं, या जो स्तूपाज हैं, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उनसे हमें ये सारी चीजें पता लगती हैं। आप समझ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज, कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे हिस्टोरियंस क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पास्ट को मौर्यन सोसाइटी के। तो आपको ये बताना है। अब आप इसमें टॉपिक जो है बुक में देखिएगा, ये हमने डिटेल में चैप्टर पढ़े हुए हैं, डिटेल में इनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वीडियो को देखिएगा, और आप खुद अभी बुक निकाल के वो टॉपिक्स में से जो टॉपिक्स हैं जो चैप्टर के अंदर देखिएगा, अपने आप आपको चीजें पता लगेंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हम हर चैप्टर में से टॉप फाइव क्वेश्चंस देख रहे हैं, टॉप फाइव आपके जो टॉपिक्स हैं वो देख रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं इसका इस बार बोर्ड के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिवाइन किंग्स। ये हमने पढ़ा था जब डिटेल चैप्टर डिस्कशन किया था उस टाइम में, कि डिवाइन किंग्स ये जो टर्म है इससे क्या क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं, ऑब्वियसली हम जैसे अर्ली जैसे आपको बताया था किस तरीके से जो है जो राजा लोग होते थे वो अपनी डिवाइन अथॉरिटी देते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम अशोका का एग्जांपल लें, तो वो भी अपने आप को क्या, कहीं भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह में अशोका नाम नहीं लिखा गया, उसके लिए क्या यूज किया गया है, देव नाम पिया दसी, ये ऐसे वर्ड यूज किए गए जो देवताओं का प्रिय है, जो देवताओं को प्रिय है बहुत, तो ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं। इससे वो करते क्या थे, इससे जनता के अंदर एक परसेप्शन बने कि भाई इन्हें क्या मिली गई है, डिवाइन अथॉरिटी मिली गई है रूल करने के लिए। तो अगर विद्रोह करे लोग तो वो एक ऐसे डरे लोग विद्रोह करने से, नहीं हम रूल नहीं कर सकते, इनको ये राजा लोग हैं, इनको क्या मिला गया है, ये ऑब्वियसली डिवाइन किंग है, इनको दैवीय शक्तियां मिली हुई है। इस तरीके से मतलब लोगों का परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, अब सही है गलत है वो अलग चीज है, लेकिन लोगों का परसेप्शन क्रिएट करने के लिए राजा महाराजा इस टर्म्स को यूज लेते थे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंस्क्रिप्शनल, ये देखिए यहाँ पे जो है आपके इंस्क्रिप्शनल जो है इंस्क्रिप्शनल एविडेंस जो है आपके, देखिए इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, देखिए ये जो है क्वेश्चंस मैंने खुद ने ही इंपॉर्टेंट आपके बनाए हैं जो पूछे जा सकते हैं इस बार। टॉप फाइव हर चैप्टर में से हम देख रहे हैं, ये आपकी पार्ट फर्स्ट बुक है, इसके अलावा जो है मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका 25 को ही एग्जाम है तो जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराऊं कि इसी तरीके से जो है सेकंड और थर्ड बुक के भी अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें, हर चैप्टर में से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की क्या लिमिटेशंस है, खुद दिमाग लगाइए। देखिए हमने डिटेल चैप्टर जब पढ़ा था, अब यहाँ पे लॉजिक लगाइए, आपसे पूछ रहा है क्या कमियां या क्या बाधाएं, क्या लिमिटेशंस हैं जो इंस्क्रिप्शन मिलती थी, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है उनकी,
तो क्या लिमिटेशंस है, किस तरीके से इंस्क्रिप्शंस पे जो चीज लिखी गई थी, अब इतने साल हजारों साल हो जाते हैं तो कई चीजें जो है मतलब उस तरीके से फैड हो जाती है, इंस्क्रिप्शन जो है जहां पे लिखी गई है वो उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाती, क्लैमिटीज नेचुरल क्लैमिटीज आपदाएं आती हैं उनसे वो टूट जाती हैं बिखर जाती हैं, कई तरीके की इंस्क्रिप्शनल से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है, जो लैंग्वेज उसमें लिखी गई है हो सकता है वो क्या डिसाइफर्ड नहीं की गई हो, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा था क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लिखी गई लैंग्वेज वो अब तक अनडिसाइफर्ड है, इससे इसी के कारण क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें मतलब नहीं पता, हालांकि वो चीजें मिल गई लैंग्वेज लिखी गई लेकिन अनडिसाइफर्ड इसके लिए वो पता ही नहीं अभी। तो इंस्क्रिप्शन की भी अपनी अपनी क्या होती है बहुत सारी लिमिटेशन होती है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन अर्ली इंडिया, अर्ली इंडिया में कौन कौन सी नई स्ट्रेटजीज यूज की गई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो ये हमने डिटेल में डिस्कशन किया था किस तरीके से नए टूल्स लाए गए, नए बड़े पैमाने पर जो है इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव करने के लिए जो है व्यवस्थाएं की गई। अगला क्वेश्चन बन सकता है हाउ आर इंस्क्रिप्शन डिसाइफर्ड, इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर कैसे किया जाता है, और हिस्टोरिकल एविडेंस जो है व्हाट हिस्टोरिकल एविडेंस वी गॉट फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या बातें पता लगी, तो यह बता सकते हैं इंस्क्रिप्शंस को कैसे डिसाइफर किया गया। तो इसमें हमने पढ़ा था लैंग्वेज वाले टॉपिक में याद करो कि ब्राह्मी खरोस्ती या जो पाली लिपि जो यूज की जाती थी उस डेशन पाली जो मतलब लैंग्वेज प्रकृत लैंग्वेज उनको कैसे डिसाइफर किया गया था, डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके कि कैसे इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया जाता है और कौन कौन से हिस्टोरिकल एविडेंस चीजें हमें जानने को मिलती है इंस्क्रिप्शन से, ये चैप्टर सेकंड में आपके पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चैप्टर थर्ड में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हाउ द एपिक महाभारत एस्टैब्लिशेस द आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी, कि महाभारत जो एपिक बनाया था फॉर्म किया गया था उससे हमें कैसे पता लगता है आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी, पैट्रिलिनी जो व्यवस्था है उसके बारे में कैसे पता लगता है। अब ये पैट्रिलिनी क्या है ये हम डिटेल डिस्कशन के तो जाना था, देखिए पैट्रिलिनी क्या है, किस तरीके से हमारे जो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर जो मतलब एक लीनेज की व्यवस्था जिसमें अगर पिता की संपत्ति होगी तो पिता की संपत्ति पर हक किसका, उसके पुत्रों का हक होगा, जिसमें भी अगर कोई राजा है तो राजा के बाद में उसका मतलब वारिस कौन बनेगा, जो बड़ा बेटा होगा वो उसका वारिस बनेगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके बन सकता है सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनेजेस प्रोबेबली हैड डिफरेंट ऑरिजिंस एनालाइज द अबव कमेंट, आपसे सेकेंड क्वेश्चन है सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनेजेस प्रोबेबली हैड डिफरेंट ऑरिजिंस, इस कमेंट को एनालाइज करना है कि बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग जो वंश थे लिनेजेस थी उनके अलग अलग ऑरिजिन हो सकते हैं, डिफरेंट ऑरिजिन हो सकते हैं, इस चीज को इस कमेंट को आप क्या कीजिए एनालाइज कीजिए। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके बन सकता है महाभारत कंसीडर्ड टू बी अ डायनेमिक टेक्स्ट, महाभारत जो है उसको एक डायनेमिक टेक्स्ट माना गया है, इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस एनालाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन आपके है व्हाट इज मेट्रोनिमिक एंड एक्सप्लेन सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ सातवानास, मेट्रोनिमिक क्या है और सोशल स्ट्रक्चर जो है सातवानास का उसको समझाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके है चैप्टर नंबर फोर जो है उसमें हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फाइव क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर फोर में आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब द मेजर टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म देखिए डिटेल में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें देख रहे हैं। अगला चैप्टर नंबर फोर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब द मेजर टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म की इंपॉर्टेंट जो मेजर टीचिंग्स थी उसके बारे में बताइए। व्हाट इज चेट्यास एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ स्तूपास, स्ट्रक्चर जो है स्तूपास के वो बताइए। थर्ड क्वेश्चन आपके हाउ डिड हिस्टोरियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बुद्धिस्ट स्कल्पचर, हिस्टोरियंस जो है कैसे समझते हैं बुद्धिस्ट स्कल्पचर को, हाउ डिड द हिस्टोरियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स, किस तरीके से जो है जिसमें हमने डिटेल चैप्टर पढ़ा जाना था कैसे अलग अलग सिंबल्स को जो है वो जो है किस तरीके से उन्होंने हिस्टोरियंस ने रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया कि वह जो ट्री दी गई थी, क्योंकि बुद्धा की जो इमेज है वो कहीं भी नहीं दी गई सिंबल्स में, उनसे रिलेटेड जो सिंबल्स थे उनको यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके बन सकता है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म जो है उसकी डेवलपमेंट के बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ कल्ट वैष्णिज्म एंड सेविज्म इन द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, पुरानिक हिंदुइज्म की ग्रोथ के अंदर वैष्णिज्म और सेविज्म जो कल्ट डेवलप हुए उसके बारे में बताइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसमें बन सकते हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस हमने देखे पार्ट फर्स्ट बुक में, जल्दी ही आपको पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड जो बुक है आपकी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों की मदद हो सके, और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।